नीतिवचन प्रकरण 30 वचन 1 ने 33 सुधी आ मासाना याकेहना पुत्र आगुरना वचनो छे। मानवीनो बोध इथियल अने उपकाल में निश्चित रीते हूँ माणसोनी वच्चे महामूर्ख छु। हूँ मानव जेवो नथी, मारामा माणस जेवी बुद्धि नथी। हूँ ज्ञान शिख्यो नथी के नथी मने पवित्र ईश्वरनु ज्ञान नथी। आकाश मा कौन चढ़ो छे अने पाछो नीचे उतर्यो छे? कोणे हवाने मुट्ठी मा बांधी राखी छे? कोणे पाणी ने पोताना झब्भा मा बांध्यू छे? पृथ्वी नी सीमाओ बधी कोणे स्थापी छे? जो तू जाणतो होय तो तेनु नाम शू छे अने तेना पुत्रनु नाम शू छे? देवनु प्रत्येक वचन परखेलू छे, जेओ तेमना मा आश्रय शोधे छे तेमना माटे ते ढाल छे। तेना वचनों मा तू कशो उमेरो करीश नहीं, नहीं तो ते तने थप्पो आपशे ने तू जूठा तरीके पूर्वार थईश। हे यहोवा, मैं तमारी पासे बे वरदान माग्या छे, मारा मृत्यु पहला मने तेनी ना पाड़ीश नहीं। असत्य अने व्यर्थता ने मारा थी दूर राखजे, मने दरिद्रता के द्रव्य पर न आप, मने जरूर जेटलो रोटलो आपजे। नहीं तो कदाच हूँ वधारे संतुष्ट था अने तने नकारू अने कहूँ के यहोवा कौन छे? अथवा हूँ कदाच गरीब थईने चोरी करूँ अने पछी मारा देवना नाम निष्ठ करूँ? नौकरनी खराब वातो जे खोटी छे ते तेना मालिक आगळ न कर। रखे ने ते तने शाप दे, ने तेणे जे कर्यू हतू तेने माटे तू दोषपात्र ठरे। एवी पण एक पेढ़ी छे के जे पोताना पिता ने शाप आपे छे अने पोतानी माने आशीर्वाद देती नथी। एवी पण एक पेढ़ी छे जे पोताने पवित्र माने छे पण ते पोतानी मलिनता माथी स्वच्छ थती नथी। एवी पण एक पेढ़ी छे के जेमना घमंड नो पार नथी अने जेओ सौने तुचकारनी नजरे जुए छे। एवी पण एक पेढ़ी छे के जेमना दांत तरवार जेवा अने तेमना जड़बा छरी जेवा होय छे। तेओ पृथ्वी परथी कंगालोने अने लोकोमांथी जरूरियातमंदोने भरखी जाय छे। जड़ोने बे दीकरीओ छे, तेओ आपो आपो एम चीसो पाड़े छे। जे कयारे तृप्त न थाय तेवी त्रण वस्तुओ छे, परंतु चार एवा छे के जे कदी बस कहता नथी। एटले शेओल वांझणीनो उदर, तरसी जमीन अने अग्नि जे कदी बस कहता नथी। जे आँख तेना पितानी मश्करी करे छे अने तेनी मातानी आज्ञा मानवानी ना पाड़े छे, तेनी आँखने खीणना कागड़ा फोड़ी नाखो अने गीगड़ा खाई जाओ। त्रण वस्तुओ एवी छे जे मारा माटे आश्चर्यजनक छे, परंतु चार एवी छे जे मने समझाती नथी। आकाशमां उड़ता गरुड़नी चाल, खड़क ऊपर चालता सापनी चाल, मद्दरिये तरता वहाणनी चाल अने युवान स्त्री साथेना पुरुषना व्यवहार। व्यभिचारी स्त्रीनी रीत आवी होय छे, तेणी खाय छे अने मो लूछी नाखे छे अने कहे छे के मैं कशू खोटू कर्यू नथी। त्रण वस्तुओथी धरती ध्रुजे छे, परंतु चार जे एनाथी सहन थती नथी। राजगादीए बैठेलो गुलाम अने खोराकनी विपुलता मानतो मूरख। परणवा पामेली प्रेमथी वंचित रहेली स्त्री अने पोतानी शेठाणीनी जगाए आवेली दासी। पृथ्वी पर चार वस्तु एवी छे जे नानी छे पण अत्यंत होशियार छे। कीड़ी कई बलवान प्रजा नथी पण तेओ उनाळामां पोतानो खोराक भेगो करे छे। खड़कमां रहता ससला पण निर्बळ प्रजा छे, तो पण तेओ सर्व पोताना रहेठाण खड़कोमां बनावे छे। तीड़ोनो कोई राजा होतो नथी, छता तेओ बधा टोळाबंध निकळे छे।
ઘરોળીને તમે તમારા હાથમાં પકડી શકો, છતાં તે રાજાઓના મહેલમાં પણ હોય છે. ત્રણ પ્રાણીઓના પગલા દમામદાર હોય છે, હા, ચારની ચાર દમામદાર હોય છે. એટલે સિંહ જે પશુઓમાં સૌથી બળવાન છે અને કોઈને લીધે પીછે હટ કરતો નથી. વરી શિકારી કૂતરો તથા બકરો તેમજ પોતાની પ્રજાને દોરતો રાજા કે જેની સામે થઈ શકાય નહીં. જો તે ગર્વ કરવાની બેવકૂફી કરી હોય અને કોઈ ભૂંડો વિચાર તે કર્યો હોય, તો તારો હાથ તારો મો પર મૂક. કારણ કે દૂધ વલોવ્યાથી માખણ નીકળે અને નાક રગડવાથી લોહી નીકળે, તેમ ક્રોધને ખહેડવાથી ઝઘડો ઊભો થાય છે. નીતિવચન પ્રકરણ 30, વચન 1-33 સુધી.